नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर तैयार किया गया एनडीटीवी का प्रोग्राम इलेक्शन डिकोड। चुनाव की घोषणा के साथ ही हमने आपको अब तक हर रोज लोकसभा चुनाव से जुड़े अलग अलग पहलुओं को सरल अंदाज में पेश किया है। अब शुक्रवार को देश में पहले चरण का मतदान होता है, जिसमें राजस्थान की 12 सीटों पर जनता ईवीएम में अपने फैसले के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी। लेकिन आज ये जानना बेहद जरूरी होगा कि जनता अपना फैसला इन सीटों पर किस आधार पर करने वाली है। हर चुनाव में ऐसे कोई ना कोई बड़े मुद्दे और चेहरे होते हैं जो लोकसभा चुनाव का या फिर विधानसभा चुनाव हो उनका रुख तय करते हैं। आज राजस्थान के पहले चरण की सीटों पर इन्हीं मुद्दों और चेहरों पर बात होगी। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव जीती बीजेपी ने लोकसभा में किन मुद्दों, वादों, इरादों पर जोर दिया, अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए, तो कांग्रेस गठबंधन की ओर से जनता के सामने कौन से मुद्दे और चाल चेहरे पेश किए गए। प्रोग्राम की शुरुआत में पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने है। मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस का न्याय, महिला और युवाओं पेपर लीक रोकने पर खासा जोर दिया है बीजेपी ने, कृषि स्वास्थ्य सुविधा और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी के शामिल है और कांग्रेस गठबंधन के मुद्दे हैं बेरोजगारी, किसान और संविधान। फुल स्क्रीन भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, गरीबी मिटाने और रैलियों में ईडी, आयकर रेड, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने सवाल किए और एक जीएसटी स्लैब करने का देश भर में वादा किया। तो पक्ष विपक्ष की ओर से बड़ी सियासी चाल और चेहरों का क्या हाल है, ये इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दे पकड़े, मोदी की गारंटी, सनातन और राष्ट्रवाद पर जोर दिया, अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर का बार बार जिक्र करने की बात कही, बढ़ती अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा की उपलब्धि गिनाई बीजेपी ने मोदी सरकार के 10 साल की, और पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी के जरिए पानी को मुद्दा बनाया, महिला युवाओं पेपर लीक रोकने पर खासा जोर दिया। वहीं कांग्रेस ने क्या कहा ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा चुके हैं। अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं किस तरह से फर्स्ट फेज में किन बड़े चेहरों पर दाव है और क्या मुद्दे राजस्थान में इन 12 सीटों पर होंगे। राजस्थान की हॉट सीटों में से एक बीकानेर सीट से केंद्र सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीकानेर सीट से उनके सामने कांग्रेस ने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल मोदी मैजिक के सहारे नैया पार होने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि गोविंद राम मेघवाल ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के सहारे चुनाव को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं राजस्थान की चर्चित सीटों में अलवर सीट की भी खूब चर्चा है। मोदी के करीबी रहे राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने लोकल युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया है। यादव बहुल सीट पर यहां मुकाबला रोचक हो चुका है। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव की जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद रहे और इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राहुल कस्वा से है। खास बात यह है कि तारानगर सीट से विधायक का चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का सियासी भविष्य इस सीट के चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। देवेंद्र झाझड़िया की टिकट की पैरवी करने वाले राठौर अगर ये सीट हारते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इस सीट पर मुकाबला इतना कड़ा है कि पीएम मोदी को सभा कर वोट की अपील करनी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले चरण की इन सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी है, चुनाव प्रचार में हर संभव कोशिश की है, क्योंकि इन सीटों के नेता जानते हैं कि जीत से वंचित रहने पर आने वाले दिनों में सियासी करियर पर संकट मंडरा सकता है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर अलग अलग समीकरण है, मोदी मैजिक की बात है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का न्याय कार्ड है उसकी चर्चा है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी
बात हुई है, कहीं कहीं राम मंदिर और सीए जैसे इश्यू भी सुनाई दिए हैं, लेकिन अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर जातिगत कार्ड, जातिगत समीकरण, कैंडिडेट की जाति के हिसाब से वोटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इन 12 सीटों का परिणाम भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं का आने वाले दिनों का राजनीतिक वजूद तय करने वाला है। जयपुर से NDTV के लिए सुशांत पारी। तो वाकई कई सियासी चेहरों का वजूद और भविष्य तय होने वाला है, इतना अहम इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं इस वक्त पर, नवीन चौधरी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित गर्ग भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और जल्दी बीजेपी के माधुराम का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीन जी बहुत स्वागत, सुमित जी बहुत स्वागत। सुमित जी पहला सवाल आप ही से ले लेते हैं, काफ़ी प्रचार आपने भी आपकी पार्टी ने कर ही लिया है और अब 12 सीटों पर मतदान है शुक्रवार को, क्या नए मुद्दे आपने पहले के चुनावों के उलट इस बार रखे, क्योंकि बीजेपी कहती है उसके पास तो मुद्दे चेहरा एक सब कुछ तय है अरसे से, करीब 10 साल से आपके पास चेहरा तय नहीं है, लेकिन मुद्दे कौन से आप उठा पाए इस चुनाव में, और क्या जो अगर आप शुक्रवार को मतदाता वोट डालेंगे तो कांग्रेस को किन बड़े मुद्दों पर उम्मीद है? मनीष जी नमस्कार जी, जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे भाजपा की सरकार ने इस देश को बहुत दिए और बहुत तड़पा तड़पा कर दिए। मुद्दे जो इस चुनाव में कल 12 सीटों पर राजस्थान का मतदाता और 102 सीटों पर देश का मतदाता मतदान करने जाएगा, वो जो जिन मुद्दों को लेके वोट डालने जाएगा वो मैं बता देता हूं। मुद्दा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, मुद्दा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके पीछे मोदी जी के हिडन एजेंडा है, मैं अभी आके इलाबोरेट कर देता हूं। मुद्दा होगा कृषि, मुद्दा होगा स्वास्थ्य, और मुद्दा राजस्थान की इन पहले चरण की सीटों पर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो वो होगा अग्निवीर। मनीष जी, जिस क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे फौज में भर्ती होते हैं, चूरू झुंझुनू सीकर ये शेखावटी की बेल्ट में अगर आप जाएं सुबह सुबह देखें तो लाखों बच्चे आपको दौड़ते हुए सड़कों पर मिल जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो अपना भविष्य देश की सेना में ढूंढते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने 50 साल के 45 साल के 55 साल के गांव के व्यक्ति को या अपने परिजन को देखते हैं कि इसने सेना में 25 साल 30 साल खपा दिए और उसके बाद इसका जीवन कितना अच्छा है, ये उनको अपना आदर्श मान के जीवन जीने वाले बच्चे हैं। उनके साथ क्या किया मोदी सरकार ने, अग्निवीर लाके उनको 4 साल का टेम्परेरी सैनिक बना दिया। क्या वो बच्चे जो आज वयस्क हैं मोदी सरकार को वोट देने जाएंगे? नहीं जाएंगे, उनके हालात बहुत खराब है, वो बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। फिर मैं आता हूं अनएम्प्लॉयमेंट। मनीष जी बड़ा दुर्भाग्य है, मोदी जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली थी कहा था हम 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देंगे, आज दुर्भाग्यवश इस देश की बेरोजगारी दर 8% और हालात ये हो गए। मोदी जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर कहते हैं कि हम बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अगर आप समझते हैं तो भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कह रहा है। तो मनीष जी मुझे बताया जाए कि कौन इन मुद्दों को कंट्रोल करेगा, यह भी देश के सामने बड़ा सवाल है। नहीं लेकिन भ्रष्टाचार की सवाल है। जी 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 मरी जी, जी जो मुद्दे निश्चित रूप से अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दा शेखावटी इलाके में बड़ी तादाद में जब भी फौज पर सरहदों पर तैनात होने की बात आती है तो राजस्थान के युवा कभी पीछे रहे नहीं है। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं जिस तरह से आपने जिक्र किया, आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, आप कृषि स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, उन मुद्दों पर काफी कुछ बोलने के पास बीजेपी के पास में अचीवमेंट है, क्योंकि उनके पास इसलिए अपर हैंड है कि उनकी सरकार है 10 साल से, उसको लेकर अगर आप बात रख रहे हैं तो आपको कुछ सब्सटेंशिएट करना चाहिए था अब सुमित जी अपने मैनिफेस्टोज के जरिए और आपके रैलीज के जरिए। बीजेपी के माधुराम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधुराम जी स्वागत आपका NDTV पर। अब बड़ा सवाल यही होगा जब 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, हर चुनाव में नए मुद्दे और चेहरे होते हैं, बीजेपी ने इस बार क्या नए मुद्दे रखे, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अरसे से बीजेपी सिर्फ एक चेहरे पर वोट मांग रही है, क्या इस बार भी सिर्फ आप चेहरे के भरोसे ही हैं
या फिर आपने वाकई कोई नए किस तरह से लोगों के सामने वो मुद्दे रखे जो पहले के चुनाव के उलट हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव पहले के मुकाबले अलग चुनाव होने जा रहा है? देखिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लोगों में विश्वास मोदी जी के नाम पे, और राजस्थान में जो सरकार बनी है पिछले 3 महीनों में, उनके अचीवमेंट मैं कहूंगा कि इस एरिया में जहां चुनाव कल होने जा रहे हैं, एआरसीपी बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस ने परमिट करने के अलावा कुछ नहीं किया, और यह कह दिया कि हमने 10,000 करोड़ का बजट या 5,000 करोड़ का बजट रखा है, जबकि 1 रुपए का इन्होंने बजट नहीं रखा, धरातल पे नहीं उतारे। आज एआरसीपी लागू होने के बाद में तुरंत वहां पे आपने देखा कि भजन लाल जी की सरकार ने 38 अधिकारी लगा के उसको नीचे एग्जीक्यूशन में उतार दिया। यमुना का ठेकावटी की बात करते हैं तो लोगों को पीने के लिए पानी इनके आज से नहीं, ये 40 साल से मैंने ओला जी को छोटे समय से सुनता था, यमुना लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे। लोग उस मुद्दे को सुनते सुनते कई बार वोट दे दिए, परंतु इन्होंने काम के नाम पे अगर कहेंगे तो 0 है। पिछले समय इनकी 5 साल की सरकार रही, ये बेरोजगारी की बात करते हैं मेरे मित्र, इनको थोड़ी बहुत भी अगर जहन में होगी तो इनकी राजस्थान में सबसे अगर बेरोजगारी की दर 28.3 थी, वो पूरे देश में इनको फर्स्ट नंबर पे थे, तो ये क्राइम के मामले में फर्स्ट पे थे। इन्होंने हर मामले के अंदर राजस्थान को इतना पीछे धकेल दिया कि राजस्थान का युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, वो हर आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि किस प्रकार इन्होंने 5 साल कांग्रेस ने पूरी जनता को भ्रमित करने के अलावा और होटलों में अपने एमएलए को बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो मुद्दे बहुत है और मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए भी बहुत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम का विजन रखती है और आने वाले समय में किस प्रकार काम करेगी ये भी विजन है। किस प्रकार रेलवे का विकास हुआ है राजस्थान में, वो अपने आप में एक अनूठा है। तो ये जनता के सामने है, किस प्रकार सड़कें बन रही है। काम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में, मैं ये कहूंगा कि अगर बेरोजगारी आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, और अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई सबसे ज्यादा चरम पे मनमोहन सिंह की थी, और इनके मुख्यमंत्री की, इनके अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इनके प्रधानमंत्री कहते थे रुपए पेड़ों के थोड़ी लगते हैं, वो सब ये भूल गए। भ्रष्टाचार की बात करें तो इनके देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार इनके नाम से है, पर मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है, याद नहीं, जनता इतनी भोली नहीं है, डॉक्टर साहब सब जानती है और एक एक चीज को याद भी रखती है। आप ये जो चीजें कह रहे हैं वो जनता सब जानती है, किस प्रकार देश में आपने कोयला खा गए, यूरिया खा गए, आप टेलीफोन के तार खा गए, स्पेक्ट्रम आपने बेच दिए, इस देश में जो करप्शन था, देश की जनता पहले बार 10 सालों में अपने आप को इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और डबल इंजन की सरकार है उसमें विश्वास कर रही है और विश्वास जी। माधुराम जी, आपके आपके भी मैं बताऊं कि जितनी भी सवाल आपका जवाब रहा उसमें भी कई दफा आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, ये बहुत निश्चित रूप से साफ है कि आपकी रैलियों में भी वही एक चेहरा और वही एक मुद्दा दिखाई पड़ता है कि पिछले 10 साल से डबल इंजन सरकार नेता है, तो निश्चित तौर जी हमें मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपके पास क्या वाकई ये चुनाव पिछली बार से कुछ अलग आप पेश कर रहे हैं, कुछ अलग मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर एक टेम्पलेट आपके पास में है और वही उसको आप रेप्लीकेट करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में भी कमोवेश वही टेम्पलेट था, राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री का चेहरा, और लोकसभा चुनाव में तो लाजमी है। नवीन चौधरी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी काफी एक्सटेंसिवली राजस्थान को इस चुनाव के लिहाज से कवर किया है। नवीन जी, आपको लगता है कि चुनाव पहले से अलग होने जा रहा है क्या? सीटवार जब अगर मुद्दों की बात करें तो क्या जो बीजेपी पेश कर रही है, जो एक नैरेटिव सनातन का, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का, और सबसे बड़ा मोदी की गारंटी, इस बार उन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी नाम ही यही दे दिया है, बीजेपी ने सब कुछ जो 10 साल में किया वो सब कुछ गिनाया, कांग्रेस उसके उलट कह रही है, बेरोजगारी जैसा सुमित जी अभी कह रहे थे, ईडी आईडी के रेड ये सब छाए रहे, लेकिन क्या इतना सरल चुनाव है या फिर वाकई राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जाति, धर्म और अपने उन समीकरणों का भी वेटेज है जो प्रत्याशियों पर भी निर्भर करता है, या फिर वो कहीं गुम है इस चुनाव में? मनीष, इस बार मुद्दे जो है दोनों पार्टियां भले जो उठा रही हो पर ग्राउंड पर मुद्दे गुम हो रहे हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपने कहा पिछले चुनाव जैसा ही क्या ये चुनाव है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आप 2014 में देखते तो टक्कर थी लेकिन 25 सीटें बीजेपी ने जीती। 2019 में जब बीजेपी दोबारा जीतती है राजस्थान की 25 सीटें, तो आप देखें कि एवरेज वोटिंग परसेंटेज जो था, विनिंग परसेंटेज जो था, वो बीजेपी का बहुत ज्यादा बढ़ा था।
लेकिन जिन चार पांच सीटों पर विनिंग परसेंटेज बीजेपी का ड्रास्टिकली गिरा था उसमें वो सीटें थी जहां से इनके केंद्रीय मंत्री भी हैं, चाहे वो जोधपुर की सीट हो चाहे वो बीकानेर की सीट हो, यहां पर अच्छा खासा मार्जिन गिरा था। भले ही मार्जिन तब भी 15-20% हो, फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र सिंह जी का 38% से 20% आ गया। तो जो इनके बड़े नेता रहे उनका मार्जिन गिरा 19 में, बाकी सबका मार्जिन बढ़ा था। इस बार जब हम 24 में माहौल देखते हैं तो 24 में हमें एक संकट नजर आया बीजेपी में कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कैंडिडेट चुनने में बहुत सारी समस्याएं नजर आ रही थी। नाराजगी जो है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में निकल के आई उससे बीजेपी घबरा रही थी। इस बार बीजेपी ने ऐसे फैसले नहीं लिए जैसे विधानसभा में जैसा टिकट काटना है तो काट दो। एक दो फैसले हुए, उदाहरण के तौर पर चुरू, राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद से जो रिएक्शन आया बीजेपी सतर्क हो गई। अजमेर में अगर आप देखें तो भागीरथ चौधरी जिनके लिए कि वहां के स्थानीय लोग भी तैयार नहीं है, तीसरे नंबर पर विधानसभा में आ गए थे, भागीरथ चौधरी को दोबारा टिकट दे दिया। तो ऐसे कई सारे टिकट, कैलाश चौधरी तो इस बार संभवतः तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो प्रत्याशी बहुत सारे पिछड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं एक मजबूरी में थी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। एंड ऑफ द डे मोदी जी का चेहरा एकमात्र अभी बड़ा मुद्दा हमें यह नजर आता है कि मोदी जी के चेहरे पे जाएंगे। एक जो पॉइंट शेखावाटी का उठाया था समुची ने, अग्निवीर वाला विषय जरूर है, लेकिन ये अग्निवीर वाला विषय वहीं पर सीमित रह जाता है जिन परिवारों से बच्चे जो है फौज की तैयारी कर रहे हैं। इससे उसका प्रभाव तो है, लेकिन इतना व्यापक प्रभाव पॉकेट्स में है, मतलब पूरा वो जो एक तरह से कहें कि पूरा वाइड स्प्रेड नहीं है कि वो एक बड़ा डिनोटिंग मुद्दा बनता हो या फिर वो हाईलाइट बनती हो चुनाव के उस इलाके में। आप जी नवीन जी लौटेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा चुनाव डिगोड में, फिर से एक बार मैं रुक करूंगा हमारे मेहमानों की ओर। नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं सुमित गर्ग कांग्रेस से और माधुराम बीजेपी से। माधुराम जी एक सवाल मेरा आपसे ये है, 12 सीटों पर चुनाव होना है फर्स्ट फेज में, 10 सीटों पर आपने प्रत्याशी बदल दिए या फिर काट दिया उनका टिकट एक तरह से कहे, आपको लगता है कि जब आप कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा एक चेहरा है वैश्विक स्तर का चेहरा प्रधानमंत्री का और तमाम मुद्दे और जो स्थानीय चीजें उनके सामने गौण हो जाती है, क्या यही चीज आपके फेवर में जाती है और आप उसको बार बार भुनाते रहना चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर चेहरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, संसद में उनकी परफॉर्मेंस कमजोर होने के बावजूद उनका टिकट कटता है, आप रिव्यू करते हैं उस लिहाज से आप टिकट भी काटते हैं और आप फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर को लेकर आते हैं, रैलीज कराते हैं, रोड शो कराते हैं, तो जो कैंडिडेट चुनकर जाएगा वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो वही काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर थोड़े हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने वाले हैं। तो ये बात तो आपको बखूबी मालूम है कि उस एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज करने के लिए अब हर बार प्राइम मिनिस्टर का फेस यूज कर लेते हैं। देखिए मनीष जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें निश्चित तौर पे कार्यकर्ता होते हैं, उनकी अपेक्षाएं भी होती है, टिकट का बदलाव भी होता है और नए नए चेहरे सामने भी आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी ये हिम्मत चाहिए, नहीं तो आज तक तो ये कांग्रेस में तो ये देखिए ना, इनके पुराने के पुराने 90 साल के नेताओं को लेके भी ये घूम रहे हैं, किसी को सामने लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन ऐसी हिम्मत माधुराम जी, ऐसी हिम्मत कि दौसा में आप तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा नया प्रत्याशी है, बांसवाड़ा की बात कर लीजिए, ऐसी कई सीटें मैं गिना सकता हूं, हालांकि बांसवाड़ा दूसरे फेज में है, तो दौसा जैसी सीट मैंने आपको बताया, अलवर आप देख लीजिए, हर बार आपको प्रत्याशी बदलना पड़ता है, बार बार नए आदमी को, नए चेहरों को मौका मिलता है, उनको काम करने का मौका मिलता है। काम करने की बात रही तो देश में प्रधानमंत्री नहीं, कहीं आपने अजमेर में 12वें प्रत्याशी को चुनाव लड़वा रहे हैं आप कुछ जगहों पर, यही पेचीदगी है समझने की, जो कुछ कुछ जगह पर विधानसभा चुनाव हारे हुए को आपने सांसदी में वापस टिकट दिया है, नागौर की सीट उसका उदाहरण है। नहीं, ये टिकट देना और नहीं देना ये जरूरी नहीं है। आज पिछली बार आपने देखा होगा कैलाश चौधरी बाड़मेर में चुनाव हारे और उसके बाद में 3.5 लाख वोटों से जीते, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर मुद्दे जो स्टेट के होते हैं वो अलग होते हैं, जब नेशनल लेवल पे होते हैं उस पर अलग मुद्दे होते हैं। और निश्चित तौर पे आप कहते हैं कि मोदी जी इस देश में नहीं विश्वव्यापी आज फेस है, उस चीज को अपन भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गर्व है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे चुनाव लड़ती है क्योंकि विजन तो मोदी जी के थ्रू ही आता है और मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे जनता और जनता को विश्वास है, इसलिए जनता के विश्वास को बनाए रखने। तो कुल मिलाकर आपके प्राइम मिनिस्टर के विजन को जब अगर आपके प्रत्याशी आपके जो सांसद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो आपका कहना है कि उनका बदला जाना तय है और जो चुनाव में नहीं कर पाते, जो भी योजनाएं होती है वो सारी
तय कहां से होती है, वो तो केंद्र नहीं, मैं मानता हूं उस बात को, सब मानते हैं वहां तय होता है, लेकिन जो जो जिस व्यक्तित्व की आप तुलना कर रहे हैं उस तरह से उसको रेप्लिकेट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और लिहाजा आपको टिकट काटने पड़ते हैं क्योंकि वो उतने खरे नहीं उतरते, क्योंकि जो आपने बार सेट किया वो प्राइम मिनिस्टर का और एमपीज उस पर खरे नहीं उतरते, इसलिए आप टिकट काटते हैं, ये बात आपने कही है। अब सुमित जी मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि जो मुद्दे हम बुनियादी तौर पर उठा रहे थे कि मुद्दे कांग्रेस गठबंधन क्या उठा रही है इस चुनाव में, तो कुछ चीजें जो हमने नोट की बड़ी दिलचस्प है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बीजेपी पहले से बोल रही है, आप ले आए कि 10 साल में जीडीपी दोगुनी करेंगे, बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा है आप संघवाद ले आए, बीजेपी कह रही है लखपति दीदी बनाएंगे आप 1 लाख कैश ट्रांसफर करेंगे, तो कमोबेश टेम्पलेट तो आपके पास भी वही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं, वही आप बात कर रहे हैं, तो फिर अलग क्या है, क्यों मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ कंसोलिडेट कुछ पेश नहीं कर पाती है, ना सिर्फ चेहरा बल्कि मुद्दे भी। मनीष जी जहां तक मुद्दों की बात है तो मुझे बड़ा दुख है कि मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता माधोराम जी ने अपने पूरे समय में या तो कांग्रेस को कोसा या बीजेपी के गुणगान किया, मुद्दों की बात नहीं करी, एक मुद्दे पे बात करी वो था ईआरसीपी। मनीष जी ईआरसीपी पे मैं आ जाता हूं, ईआरसीपी की जिस दिन घोषणा हुई थी मैं आपके साथ शो कर रहा जी, आपको ध्यान है किरोड़ी लाल जी मीणा ने उस दिन बोला था कि हम 2500 एमसीएम पानी देंगे, मैंने उस दिन भी आपके शो पे बोला था कि जो एमओयू है उसको सदन आहूत है उसमें सदन में रख दीजिए, इन्होंने आज तक नहीं रखा, ये नहीं रखेंगे उसको, ये रखेंगे 27 तारीख को जब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्यों कि इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है, ईआरसीपी के नाम पर जनता को ठगा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पब्लिक नहीं कर रहे इसका बड़ा प्रमाण है। अब मैं आता हूं दूसरी बातों में, मैं मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना चाह रहा था। मनीष जी, मनीष जी मैं भ्रष्टाचार के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश ने देखा दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन क्राइम किसी ने किया तो भी इस मोदी सरकार ने किया, किस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्डों की के नाम पर लूट की गई, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं करी, वित्त मंत्री जी के पति कहते हैं कि ये देश का तो नहीं दुनिया का, क्या वहां प्रसाद ले रहे थे क्या, आपने क्या प्रसाद लिया, माधोरा जी थोड़ी सा संयम रखिए, अराजकता नहीं फैलाइए, समय कम है माधोरा जी, समय बहुत ही कम है जी जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की निश्चित रूप से सवाल है आप पर, सवाल उठा अगले शोज में, फिलहाल समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे मेहमान के रूप में जुड़े और तमाम विश्लेषण के जरिए 12 सीटों का आकलन आपने किया, तो फिलहाल एनडीटीवी इलेक्शन डिकोड में इतना ही, बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे, नमस्कार।